लेंगे, तशरीफ लाए मेहमान मुखरिस प्रोफेसर डॉक्टर हकीम हमदानी साहब, हजरत मौलाना हुजूर पाशा सुतारी साहब, हजरत मौलाना औलिया हुसैनी मुर्तजा पाशा साहब, मौलाना रहीमुद्दीन अंसारी साहब, मदीन कादरी साहब, पराकी ने मजलिस इत्तेहाद-उल-मुस्लिमीन, बुजुर्गाने मिल्लत, मेरे नौजवान साथियों, अजीजाने मिल्लत इस्लामिया, ये एक बाबरी मस्जिद की शहादत के खिलाफ एक एहतजाजी जलसा मुनक्कद किया जा रहा है और बाबरी मस्जिद की शहादत हिंदुस्तान का मुसलमान, हिंदुस्तान की सेकुलर जहन रखने वाले हमारे हिंदू भाई, जिस दिन बाबरी मस्जिद शहीद की गई उस दिन को हम एक काला दिन मानते हैं। जिस दिन बाबरी मस्जिद शहीद की गई उस दिन हिंदुस्तान के सेकुलरिज्म का कत्ल हुआ। जिस दिन बाबरी मस्जिद को शहीद किया गया हिंदुस्तान जैसे अज़ीम-ओ-शान मुल्क की बुनियादें हिल गई। जिस दिन बाबरी मस्जिद को शहीद किया गया वो दिन महात्मा गांधी के कत्ल से ज्यादा सिया दिन था। जिस दिन बाबरी मस्जिद को शहीद किया गया वो दिन इंसाफ के कत्ल का दिन था। जिस दिन बाबरी मस्जिद को शहीद किया गया उस दिन हिंदुस्तान की मुस्लिम अकलियत को पैगाम दिया गया कि अक्सरियती तबका जो चाह कर रहेगा, चाहे उनको अदालत के खिलाफ जाना पड़े। जिस दिन बाबरी मस्जिद को शहीद किया गया उस दिन हम तमाम को पैगाम दिया गया कि आज से इस मुल्क में दस्तूर हिंद का लिहाज नहीं रखा जाएगा, बल्कि इस मुल्क को हिंदुत्व राष्ट्र बनाने की पूरी कोशिश की जाएगी। और मुसलमान इस दिन को काला दिन क्यों कहता है? अगर हमारा अदलिया से थोड़ा बहुत भरोसा उठा तो क्यों उठा? अगर हम इस दिन को, जिस दिन हमारी मस्जिद को शहीद किया गया, वो मस्जिद जिसमें आप और हमने 400 साल तक वहां पर नमाजें अदा की, जहां पर आप और हमने हय्याल-सलाह और हय्याल-फलाह की सदाएं दी, जिस जगह पर अल्लाह की बारगाह में दस्तूर दुआ की, वो दिन अज़ीज़ाने मिल्लत वो हरकत जो की गई, मैं तो समझता हूं कि दुनिया का सबसे बड़ी टेररिज्म की हरकत अगर हुई तो उस दिन हुई। अगर हमारा ये सांस है, अगर हमारे दिलों में तकलीफ है तो क्यों है? आज भी अगर हमसे नाइंसाफी होती है तो आप और हम अपने सीनों में और हमारे दिलों में इस तरह के सवाल उभरते हैं। क्या सवाल उभरता है कि क्या मुझसे इंसाफ होगा? अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, कैसा हिंदुस्तान की सबसे बड़ी अकलियत को धोखा दिया गया? तारीख को याद रखना बेहद जरूरी है, इसलिए जरूरी है मेरे नौजवानों के मुस्तकबिल में कौन से दोबारा इस तरह का धोखा ना करे। तारीख को जानना इसलिए जरूरी है नौजवानों कि फिर कोई हमारी पीठ में दोबारा खंजर ना मारे। बाबरी मस्जिद की तारीख को दोहराना इसलिए जरूरी है मुसलमानों के बाबरी मस्जिद की शहादत के बाद जो हिंदुस्तान के मुख्तलिफ रियासतों में हमारे खून की होली खेली गई, उन शहीदों को भी याद किया जाए। चाहे हैदराबाद की सरजमीन क्यों ना हो, चाहे मुंबई की गलियां और रोड क्यों ना हो, चाहे उत्तर प्रदेश के गांव और गली कूचे क्यों ना हो, मगर तारीख को जानना पड़ेगा, उसको अपने जहनों
हमें नजीह करना पड़ेगा कि 1540 में इस मस्जिद को तामीर किया गया। मस्जिद की तामीर के बाद रामचरण मानस लिखा गया उसके उसका कोई विकल्प नहीं कि राम की पैदाइश की जगह। और फिर आरएसएस के बहुत बड़े लोग हेगड़े वर्ग ने इसका जिक्र नहीं किया जिसको आरएसएस अपना इंटेलेक्चुअल गुरु मानती है, उन्होंने इसका जिक्र नहीं किया। सावरकर जो हिंदुत्व आइडियोलॉजी लिखता है उसने इसका जिक्र नहीं किया। और फिर 2223 दिसंबर की रात को मुल्क आजाद हुए 2 साल के बाद रात के अंधेरे में दीवार तोड़कर अंदर मस्जिद में जाकर मूर्तियां रख दी गई। और बीजेपी के लालकिशन अडवाणी ने बीजेपी का व्हाइट पेपर और फिर आरएसएस का ऑर्गेनाइजर अखबार लिखता है कि वो मूर्तियां करिश्मानी तौर पर वहां पर आ गई। ये बीजेपी का व्हाइट पेपर कहता है कि करिश्मानी तौर पर मिंबर रसूल पर मूर्तियां आ गई। सही कहा किसी ने नाउज बिल्ला। और फिर अदीना ने मिला थे इस्लामिया इंस्पेक्टर वक्त मोहम्मद इब्राहिम अपनी 2 रिपोर्ट पेश करता है 10 और 23 दिसंबर को। 1 साल पहले मूर्तियां रखने से 1 साल पहले इंस्पेक्टर ऑफ वक्त मोहम्मद इब्राहिम रिपोर्ट पेश करता है कि डॉक्यूमेंटेशन है इसका कि नमाजियों पर बंदरबाजी की गई, नमाजियों को रोका जा रहा है मस्जिद में जाने से। क्या सरजमीन हैदराबाद के दियारे नौजवानों, क्या तुमको इसमें कोई बात याद आ रही है? नहीं याद आ रही है कि हम मक्का मस्जिद को जा रहे हैं, हमको सताया जा रहा है। हम मक्का मस्जिद को जा रहे हैं, हमको सताया जा रहा है, रोका जा रहा है। 60 साल पहले यहां पर की गई बाबरी मस्जिद के ताल्लुक से फिर FIR रजिस्टर हुआ। और SI राम दुबे लिखता है कि हिंदुओं का एक 50-60 का ग्रुप मस्जिद में दीवार कूदकर सीढ़ी लगाकर दीवार कूदकर गए और वहां पर राम की मूर्ति को बिठाया। अंदरूनी और बाहर की दीवारों पर लक्ष्मण और सीता लिख दिया। और फिर ये इंस्पेक्टर राम दुबे लिखता है कि इसमें रामदास राम शक्ति दास थे, इन्होंने मस्जिद की तौहीन की और इसके गवाह हुकूमत के मुलाजिमी। उस वक्त का डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के नैयर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट रेडियो मैसेज देता है चीफ मिनिस्टर को गोविंद बल्ला भाई पंत को। क्या देता है कि चंद हिंदू बाबरी मस्जिद में दाखिल हुए, रात के अंधेरे में मूर्तियों को हट दिया। और कलेक्टर लिखता है कि 15 लोगों का पुलिस का पिकेट था, ड्यूटी पर था, उसके बावजूद ये लोग कूद के मूर्तियां रख दी। क्या तारीख हमको नहीं समझ में आ रही मुसलमानों? 30 अक्टूबर की रात को वहां पर क्या पुलिस की मौजूदगी में क्या मंदिर के ऊपर परमानेंट सेट डालने की कोशिश नहीं की गई? यह तारीख है मुसलमानों। इसीलिए मैं अपने तकरीर के शुरुआत में कहा कि तारीख को याद रखना जरूरी है ताकि हम दोबारा धोखा ना पाए। जिस वक्त हमारी मस्जिद में कूद कर मूर्तियां रखी जा रही थी वहां पर 15 पुलिस वाले खड़े हुए थे।
मुजारिम शादी गरीब मंदिर आज से गई तो उसने कहा कि मेरा भी फायदा श्याम बाबू का भी फायदा, दोनों का फायदा और नुकसान हमारा, उनका फायदा नुकसान हमारा। तो इंस्पेक्टर पुलिस खड़ा हुआ है, पुलिस खड़ी हुई है कि नहीं मैडम का मामला है, तीन शर्त डाल देंगे। 60 साल पहले भी ऐसा हुआ था अजीज दोस्तों, फिर 26 दिसंबर को उसी साल कलेक्टर ने चीफ सेक्रेटरी को लिखा, लिख कर दिया कि 22 और 23 दिसंबर की रात को मूर्तियां रखी गई। जवाहरलाल नेहरू की किताब में जो हुदूद है उसमें इसका जिक्र, और बाबरी मस्जिद के इमाम उस वक्त के अब्दुल गफ्फार साहब, उन्होंने भी दस्तावेज पर लिख कर दिया कि मूर्तियां रखी गई। फिर एक एफिडेविट दायर किया गया था हुकूमत उत्तर प्रदेश की तरफ से, डिप्टी कमिश्नर फैजाबाद जे एन उगुर ने 25 अप्रैल 1950 को रिटर्न एफिडेविट दायर किया, क्या कहा कि वहां पर मूर्तियां थी नहीं, वहां पर कभी मंदिर थी नहीं। और फिर प्रोफेसर शकील सल्दानी साहब और अब्दुलरहीम फरेजी साहब की मौजूदगी में कह रहा हूं, सीआरपीसी सेक्शन 145 145 क्या कहता है, अगर मैं किरण कुमार रेड्डी के घर में घुस के कब्जा कर लूं, अगर मैं जाकर किरण कुमार रेड्डी के घर में घुस के कब्जा कर लूं, तो सेक्शन 145 ये कहता है कि अदालत ये देखेगा, टाइटल नहीं देखेगा, अदालत ये देखेगा कि कब्जा किसका था। तो वो 145 कहेगा कि नहीं असलती ओवैसी साहब, आप किरण कुमार रेड्डी के घर में घुस के कब्जा कर लिए, आपको कब्जा छोड़ना पड़ेगा। यह और बात है कि जब मुश्तरका मजलिस अमल अब जब आंध्र प्रदेश में जाएगी तो किरण कुमार रेड्डी निकाले नहीं जाएंगे, हटाए नहीं जाएंगे। अल्लाह सुबहाना व तआला हमारी मेहनत और हमारे दुआओं के नतीजे में अल्लाह सुबहाना व तआला अपने फजल और अपने कर्म के जरिए किरण कुमार रेड्डी लगन दावा निकलेगा इक्तदार से इंशाअल्लाह तआला। ज्यादा गर्म नहीं होगा, गर्म
करने का हमने समय किया है, मिटा देने का। मैं आ रहा था तो किसी ने मुझे कहा कि साहब एक बात बोलना है। मैंने कहा क्या बोलना है भाई, मैं दूसरे को जा रहा हूं। तो बोले नहीं साहब, मेरा एक किस्सा सुनवा। मैं बोला क्या किस्सा है कि आप SMS कर दो जल्दी में। SMS किया उन्होंने। उन्होंने कहा कि साहब किरण कुमार रेड्डी ने या कांग्रेस के लोगों ने कहा कि उस तरह का मंदिर से बल को मिटा। मैं SMS पर हाँ बोला तो सही है। तो बोले नहीं साहब, किस्सा यह है कि एक पागल बोला कि मैं मिटा देता, तो दूसरा पागल बोला मैं तेरे को रबर नहीं देता। अरे क्या बात, 60 साल से उसे इंसाफ नहीं किया गया। मैं आपको बता रहा था, जरा डाइवर्जन हो गया, मेन टॉपिक पर आ रहा हूं। सेक्शन 145 CRPC, डॉक्टर शकील साहब मेरी बात को मानेंगे कि शायद 1970 में इसको
के रहेंगे। तुमने हमको दूसरा दर्जा तो छोड़ो, तुमने हमको चमार या दलित से हमारा बदतरीन हाल कर दिया।